नमस्कार दोस्तों, चूल्हा चौकी में आप सबका स्वागत है। आज हम चिकन फ्राई बनाएंगे। चिकन फ्राई बनाने के लिए 1 केजी चिकन लिए हैं, 5 इलायची लिए हैं, 5 लौंग लिए हैं, थोड़ा सा दालचीनी लिए हैं, 1 कटोरी तेल, 10 प्याज, 2 पोटी लहसुन उसको छील लिए हैं, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा। सभी को पेस्ट बना लेंगे, गरम मसाला नहीं डालेंगे इसमें, और ये खड़ा रखेंगे, इसको नहीं पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए जार में लहसुन डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और काली मिर्च डाल देंगे, सभी को पेस्ट बना लेंगे। हल्दी नहीं डालेंगे, हल्दी पाउडर है इसको इसी तरह डाल देंगे। मसाला का पेस्ट बना लिए हैं, हल्दी इसमें डाल दिए हैं। इसके साथ प्याज को इस तरह काट लेंगे लंबा लंबा। कढ़ाई गैस पर रख दिए हैं, गैस जला लेते हैं। अब इसमें तेल डाल देंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, लौंग डालेंगे, दालचीनी, इलायची, सब पक जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। इस तरह हिलाते हुए पका लेंगे। लौंग, इलायची, जीरा सब पक गया है, दालचीनी, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को इस तरह चलाते हुए हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, देखिए, अब इसमें मसाला डालेंगे। इस तरह हिलाते हुए प्याज को ब्राउन कर लिए हैं, अब मसाला का पेस्ट डाल देंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। इस तरह चलाते हुए भूनेंगे। मसाला भुजा गया है, देखिए 5 मिनट ही मसाला भूनना है, नहीं तो जल जाएगा। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे, सभी चिकन को डाल देंगे इसमें। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। गैस को कम करके इसको पकने देंगे, आराम से ढककर पकाएंगे। चिकन पक गया है, हम ढक ढक के पकाए हैं। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, गरम मसाला भी 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। ढक कर भूनेंगे, ड्राई चिकन अब बन गया है। ढक के 5 मिनट छोड़ देंगे, स्वादिष्ट ड्राई चिकन तैयार है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, स्टार्टर के तरह खा सकते हैं। एक बार जरूर बना के देखिएगा। सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।